अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। कल का मैच बहुत एक्साइटिंग हुआ जनाब। रिजवान की बैटिंग, आमर जमाल, ओए होए होए, क्या डेब्यू है भाईजान। लव यू हो गया ये तो। हारिस रऊफ का छक्का, बोलने का नहीं बॉस, क्या बेहतरीन मैच हुआ। पाकिस्तान ने 146 के अंदर पकड़ लिया। लग नहीं रहा था, लग रहा था बहुत कम किया है पाकिस्तान ने। ओवर्स भी पूरे नहीं खेले थे, शॉर्ट बॉल से लड़खड़ा गए। भाईजान आप लोगों को शॉर्ट बॉल खेलने में क्या दिक्कत था, ये छोड़ दे, नहीं खेलना भाई, छोड़ दे, ऐसे नहीं करें बॉस। और दूसरा, शान मसूद भाई पैडल नहीं करना, क्या कर रहे हैं। इंग्लैंड की पिचेस, कहीं और सीधा सीधा खेलते रहते 160-170 बनते। हैदर अली नहीं डरे आप, बिल्कुल नहीं डरे, शॉट को छोड़ने हैं, जल्दी नहीं करें, वर्ल्ड कप में जाना ही नहीं जाना। आसिफ भाई शाहिद आफरीदी बनने चले हैं, नए शाहिद आफरीदी, ऐसा नहीं करें। प्रॉपर आप इसको लेके चलें, गेम प्रॉपर खेलें, शोर शराबे से नहीं परेशान हो। और जनाब ये इफ्तिखार साहब, फिर शॉट में प्रॉब्लम, फिर मसला, ऐसा नहीं करें आप। ठीक है जी, हो गया सब कुछ। बाबा रिजवान बहुत वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला। अब पाकिस्तान ने तो बना लिया, अब ये इंग्लैंड वालों ने जो है ना वो जिद खाई हुई है, हमें मारने मारने, लेग पे अक्रॉस। ये भाई इंग्लैंड की पिच नहीं है, ये सारे पाकिस्तान की पिच है। इतना इतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हो गया ना, मुइन अली खेलते यहाँ तक के आवे, पहुँचे आखिर में, लेकिन नहीं भाई। मैंने तो कहा था वन साइडेड होगा, नहीं हो सका वन साइडेड, लेकिन पाकिस्तान फिर भी जीत गया। कल एक मैच है, लेट्स सी क्या होता है। 7:30 बजे है, फिर प्रिडिक्शन करते चले जाएंगे कल भी। आज पोस्ट मैच एनालिसिस का मज़ा आ गया। पाकिस्तान अपनी ग्रुप में वापस आ रहा है, चेज भी कर रहा है, बड़े रन भी कर रहा है, छोटे रन पर रोक भी रहा है। थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर को ऊपर पॉलिशिंग की ज़रूरत है। और शॉर्ट बॉल नहीं भूलनी भाईजान, ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट बॉल होता है वहाँ, सुकून से खेलना है, पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, साइनिंग ऑफ इजलास सिद्दीकी।